इससे बात हो रही थी तो आपने देखा था कि रोहित ने रोहित कैसे रिएक्ट कर रहा है चीजों को, कितना परेशान, क्योंकि जब आप साल के 12 महीने बाहर रहते हैं तो आपको बहुत डिफिकल्ट होता है आपको एक प्लेस पे रुकना। देखो मैं हमेशा विकेट लेने को देखता हूँ, हमेशा मैं बॉल ऊपर करने को देखता हूँ कि मुझे अगर रन बढ़ जाए तो मुझे उसका कोई दुख नहीं है, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ रन खाने के लिए, लेकिन मुझे जरूरत होती है कि मैं विकेट निकाल कर दूं। यहाँ विश्व कप से खबर, क्योंकि विश्व कप में हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से मिले, पीएम ने मोहम्मद शमी को गले लगाया, शमी ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी तस्वीर भी ट्वीट की है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रविंद्र जडेजा नजर आ रहे हैं, मोहम्मद शमी नजर आ रहे हैं, बीसीसीआई के टीम के जो स्टाफ है वो नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम पहुंचे थे, पहले जडेजा ने तस्वीरें शेयर की थी, फिर मोहम्मद शमी ने भी ट्वीट करके जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैच जब टीम इंडिया हार गई तो इसके बाद प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में गए और ड्रेसिंग रूम में जाकर उन्होंने खिलाड़ियों को ढांढस बंधाया, उनसे मुलाकात की और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मोहम्मद शमी को गले लगाया प्रधानमंत्री ने, ये कोई नहीं, सारे प्लेयर्स अच्छा खेले, मोहम्मद शमी भी अच्छा खेले, कोई मसला नहीं, तुम जीतो यारो, हमको तुमसे प्यार है। लोग बड़े समझदार है, पढ़े लिखे हैं, वो कभी भी अपनी टीम को बुरा नहीं कहेंगे, वो आई लव यू कहेंगे अपनी टीम को और सपोर्ट करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे, नेक्स्ट टाइम वो जो भी क्रिकेट के इवेंट होंगे उसमें वो कामयाबी हासिल करें। शर्म करो यार, तुम स्पोर्ट्समैन हो क्या, हो तुम भिखारी हो, इनको बैन करना चाहिए, इनको बाहर भेजने के लिए, इनको कहना जाना है तो अपने जेब खर्च पे जाया करो, कौन पहले बैंकरप्ट था, इसके क्यों जाना चाहते हो। जितना हमने एज अ पाकिस्तानी अवाम हो के, एज अ पाकिस्तानी फैन हो के इंडिया टीम को सपोर्ट किया ना, आप बिलीव करें हम लोग बयान नहीं कर पा रहे के, लेकिन मेरा ख्याल है हमारा दुखी होना नहीं बनता, इंडिया जो है वो बहुत अच्छा खेला है। हम अगर बात करें इंडिया की परफॉर्मेंस की तो इंडिया ने 10 के 10 मैच जो है वो विन किए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, पूरी दुनिया में भारत हिंदुस्तान एक है, मुसलमानों के 57 मुल्क हैं, आप 57 कंट्रीज तरक्की नहीं कर सके और एक इंडिया तरक्की कर गया पूरी दुनिया के बीच में, क्यों? क्योंकि उधर मुसलमान भी हैं, उधर क्रिश्चियंस भी हैं, उधर सिख भी हैं, उधर हिंदू भी हैं और सब एक हैं। आपने बात किया है कि वो एक मुस्लिम और मुस्लिम को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मैं कहता हूं बैन करनी चाहिए, स्पोर्ट्स पाकिस्तान में जहां जाते हैं मैच बेच देते हैं, जो क्रिकेट का मैच खेलते हैं जितने जाके इंडिया में खेले सारे मैच बेचे इन्होंने, और बाद में आर्ग्यू का करते हैं हमें 6-6 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, वो एक क्रिकेटर ने तो यहां देखकर कह दिया, कहता मैं तो शॉट इसलिए मार सका मुझे प्रोटीन नहीं देते थे। कैसे हार सकता है यार इंडिया, यार इतनी करीब आ गया। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कल के मैच के दौरान आप लोगों को तो ये बात भली भांति पता होगा ही कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंडिया टीम को 6 विकेट से मात दे करके वर्ल्ड कप चैंपियन बन गई है। जब इंडिया टीम ने ये मैच हारी तो हमारे कुछ ऐसे प्लेयर्स जो कि उसी प्ले ग्राउंड में ही रोने लगते हैं, रोना तो सबको आ जाएगा भाई, क्योंकि 10 का 10 मैच पहले इंडिया टीम ने जीत चुकी है और 11वां मैच बुरी तरह से हार गई, तो वहीं हमारे कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने ड्रेसिंग रूम में बहुत काफ़ी रो रहे थे इस हार को लेकर के। हमारे जितने भी इंडियन प्लेयर्स थे वो तो इस बड़े से हार को लेकर के रो ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ हमारे देश की 140 करोड़ जनता भी रो रही थी। रोना तो भाई आ जाएगा सबको ही, क्योंकि हम 10 का 10 मैच खेले और 10 का 10 मैच में जीते और 11वां मैच आकर हम हार गए, ये तो हम लोगों के लिए एक बहुत ही नेगेटिविटी साबित हो गया है। दोस्तों जब हमारे जितने भी प्लेयर्स थे वो अपने ड्रेसिंग रूम में गए थे और वहाँ बहुत ही काफ़ी अफसोस कर रहे थे और रो भी रहे थे, तो दोस्तों इसी बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद हमारे सभी प्लेयर्स को ढांढस बंधाते हैं। इस मैच को हारने का मुख्य वजह है एक तो कोई खिलाड़ी नहीं, हमारे जितने भी टीम भारतीय प्लेयर्स जितने भी थे, चाहे वो गेंदबाज हो चाहे वो बल्लेबाज हो, इन सभी में कमी आई थी, इसके वजह से ये मैच को हार गए हम लोग। दोस्तों जब हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस ड्रेसिंग रूम में पहुँचते हैं तो हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनको देख करके और उनको गले लगाकर रोने लगते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म से बिलोंग करने वाले हो या फिर मुस्लिम धर्म से बिलोंग करने वाले हो, सब के सब रोने लगते हैं। तब जाकर के भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि ये हार कोई एक प्लेयर्स की वजह से नहीं हुई बल्कि हमारे जितने भी प्लेयर्स थे सबके वजह से ये हार हुई है। और इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जितने भी हमारे भारतीय प्लेयर्स हैं उनको ढांढस बंधाते बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आने वाले मैच में हम लोग देखेंगे और आगे की ओर कोशिश करेंगे और इसी तरह से हम लोग लगे रहेंगे तो आने वाले वर्ल्ड कप को भी हम लोग जीत सकते हैं। शायद हो सकता है कि ये हमारी किस्मत में नहीं था और हम लोग अच्छे नहीं खेल पाए, इसके वजह से इस मैच को हम लोग हार गए। दोस्तों इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच उस दिन मैच सेमीफाइनल का मुकाबला खेला गया, उस दिन ऐसा लग रहा था कि उसी दिन हमारी इंडिया टीम ने हार जाएगी, लेकिन मोहम्मद शमी की वजह से उस दिन भी और विराट कोहली की वजह से वो मैच इंडिया टीम ने जीत गई। और दोस्तों जब मोहम्मद शमी की वजह से और विराट कोहली की वजह से ये मैच जीती है तब विराट कोहली समेत मोहम्मद शमी को भी भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बहुत बधाइयां देते हैं और खास करके मोहम्मद शमी को भी देते हैं। दोस्तों सेम इस मैच के दौरान भी मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी ये नहीं देखे कि ये हिंदू है मुस्लिम है, उनको गले लगा करके बहुत बहुत ढांढस बंधाए और बोल रहे थे और भी बहुत सारी पॉजिटिविटी बातें समझाते हुए बोल रहे थे कि आप ढांढस बंधिए अपने आप में और आने वाले वर्ल्ड कप को इंतजार कीजिए। तो दोस्तों इसी को देखते हुए पूरे पाकिस्तान में दहशत मच गई और पूरे पाकिस्तानियों का ये मानना है कि मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज एक मुस्लिम होने के बावजूद भी भारत को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। एक चीज नक्श कर दी गई थी कि इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है, उन्हें कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाते, उन्हें तहफ्फुज़ नहीं दिया जाता, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप चल रहा है
मोहम्मद शामी ने जो इस वर्ल्ड कप में आला कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, तो इंडिया के एक स्टेट के सीएम है योगी जी, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो मोहम्मद शामी के नाम पर एक स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत अच्छी बात है जी, उसने अगर अच्छी परफॉर्मेंस की है तो उसे वो अप्रिशिएट करना चाहिए। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मुसलमानों की कदर नहीं है, अगर ना होती तो वो टीम में ही ना होता, यानी कि अगर वो एक जैसा समझते हैं तो वो टीम में उनकी है, वरना वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन्हें आगे ना आने देते मुसलमानों को। बिल्कुल सर। अच्छा, ये एक चीज़ बड़ी काबिले गौर है कि आप देखें कि इंडियन क्रिकेट टीम के में कितने पाकिस्तानी प्लेयर खेल रहे हैं। क्या आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कोई इंडियन यानी कोई हिंदू प्लेयर खेल रहा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं खेल रहा। वो असल में उसकी मेन रीज़न ये भी हो सकती है कि इधर हैं भी बहुत कम तादाद में, जिस तरह उधर है ना, इस तरह समझ लें उधर जितने मुसलमान की आबादी है उतनी टोटल पाकिस्तान में नहीं होने मुसलमान, उधर ज़्यादा हैं, इस वजह से उधर ज़्यादा लोग हैं टीम में, इधर तो इतने लोग ही नहीं हैं हिंदुस्तान वाले। सर, बहुत सारे हिंदू सिंध साइड पर रहते हैं, लाहौर में भी रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मौका देने की बात होती है। आपको याद होगा दानिश कनेरिया? जी जी बिल्कुल, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में होता था। जी होता था। तो आप बताएं क्या उनके नाम पे कोई ऐसा इनाम या कोई स्टेडियम बनाया गया ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है मजहब को लेकर जो कशीदगियां वो खत्म हो सके? असल में हमारा फोकस है पुल बनाने पे, पहले हम पुल और सड़कें तो बना लें, फिर उसके बाद हम कुछ करेंगे। अभी सारा फोकस है हमारा कि हम पुल बनाएं, सड़कें बनाएं, चाहे मुल्क करप्ट हो जाए, जो आए कोई और गवर्नमेंट आए या कोई और मुल्क आए, तो उसके लिए तो आसानी होना, उसे सड़कें ना बनानी पड़े, वो हम लोग उन्हें बना के दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए जिस तरह की इंडिया करता है, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो नेगेटिविटी है, जो नफरत है वो ख़त्म हो सके, जो खासकर मजहबी जंग है वो ख़त्म हो सके? नहीं, वो अगर आप मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो हम पाकिस्तान में ज़्यादा सिक्योर हैं, और वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका हमारा नज़रिया ही एक नहीं है। जहाँ तक रही दूसरी बात कि वो जो भी आपके मुल्क में रह रहे हैं ना, वो सब इसी मुल्क के मुहिब वतन है, यानी कि यहाँ पे ही उन्होंने रहना है, वो सपोर्ट हमें करनी चाहिए। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि मज़हब, तो वो उसमें इख्तलाफात रहेंगे, तभी हम लोग अलहदा हुए थे उनसे। लेकिन सर, एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करना भी बनता है। बिल्कुल, वो तो हम पे फ़र्ज़ है, और ये इस्लाम की वजह से फ़र्ज़ है, अखलाकी तौर पर फ़र्ज़ है, इंसानियत के नाते फ़र्ज़ है, वो भी इंसान है, वो उनकी मर्ज़ी है कि वो किस मज़हब के फॉलो कर रहे हैं, वो हिंदू हैं, वो ईसाई हैं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। आपको नहीं लगता कि इस तरह जिस तरह इंडिया में होता है, इंडियन टीम में होता है कि डिफरेंट मज़हब के प्लेयर्स को ये लोग पार्टिसिपेट करवाते हैं, उन्हें टीम का हिस्सा बनाते हैं, पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह का होना चाहिए? तमाम मज़ाहिब के लोगों को पूरी पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो मेरिट पर आगे आएँ और पाकिस्तानी टीम की तरफ से खेलें, जिस तरह इंडिया की टीम में अगर हम देखें मोहम्मद सिराज खेल रहे हैं, मोहम्मद शामी खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी जो हमारे पास अभी के प्लेयर हैं वो मेरिट पे नहीं होते, तो आप तो मज़हब से बाहर वाले कह रहे हैं कि वो मेरिट पर हों, वो टीम ही मेरिट पे नहीं है जो खेल रही है, वरना वर्ल्ड कप में ये हाल थोड़ी हो हमारा। ये देखते हैं कि इसके अंदर टैलेंट क्या है, ये टैलेंट से हमारे इंडिया को ऊपर लेके जाएंगे, ये टैलेंट से हमारे इंडिया का नाम बढ़ेगा, वो इस चीज़ को देखते हैं। अभी देखिए रिसेंटली जो हम सुनते थे कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, देखिए ये बात करने का मुझे शौक नहीं है, लेकिन जब तक मैं अपने लोगों को हकीकत नहीं बताऊंगा, लोगों के जेन चेंज नहीं होंगे। हम लोग अपने मुल्क में कैसे बेहतरी लेके आएंगे, किसी को तो आइडियल बनाना होगा। मतलब ये है, आप मुसलमान हो, आप पाकिस्तानी हो, वो इंडियन है, वो तो आप पे बड़ा जुल्म करते होंगे, वो तो पोस्ट में है, वो तो आपका जीना हराम कर देते होंगे। उसने कहा, आबिद भाई कसम खा के उस बंदे ने मुझे कहा, उसने कहा जितना ईमानदार मैंने इंडियन हिंदुओं को देखा है ना, इतना ईमानदार मैंने कभी किसी को नहीं देखा। कहते इतने ईमानदार होते हैं वो लोग, कहते हैं यकीन कीजिए कि उन्होंने आज तक ये देखा ही नहीं कि हम मुसलमान हैं। जो हिंदू भी होते हैं ना लेबर में, उनके जो हिंदू के साथ सलूक हो रहा है वही हमारे साथ होता है, जो वो खाते हैं वही हमें मिलता है। कभी उस इंडियन ने जो ऑफिसर है हमारे ऊपर, उसने कभी फर्क नहीं समझा। तो पूरी दुनिया में, खाली दुबई में नहीं, पूरी दुनिया में टॉप पे इंडियन बैठे हुए, पोस्ट पे इंडियन है। यकीनन वर्ल्ड कप को आपने फॉलो किया होगा, इस वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी ने जो कारकर्दगी दिखाई, जो परफॉर्मेंस दिखाई, वो सब हमारे सामने है। लास्ट इंडिया का जो सेकंड लास्ट मैच था, मोहम्मद शामी ने 7 विकेटें लेकर वन साइडेड इंडिया को ये मैच जितवाया, जिस पर इंडिया के एक स्टेट के सीएम है योगी जी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मोहम्मद शामी के नाम का वो भारत के अंदर अपने स्टेट में स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। तो एज अ मुस्लिम हमारे लिए कितनी काबिले फ़ख्र बात है। देखिए, एज अ मुस्लिम तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ।
इंडिया जानता है कि किसी भी गरीब को या किसी भी निचले तबके के बंदे को उठा के सुपरस्टार कैसे बनाना है। जब वो बंदा अपनी लय में आ जाता है तो पूरी इंडस्ट्री जो है उसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो रहती है और उसको उसके उस पीक लेवल पे ले जाते हैं और उसके बाद उसको ऐसा तैयार करते हैं कि वो अपना टैलेंट जो है वो सबके सामने पेश करता है। ठीक है, इसी तरह ही मोहम्मद शमी के साथ हुआ है। 2 साल बाहर रहने के बाद जैसे मोहम्मद शमी ने स्ट्रगल किया है अपने घर में 4 तरह की पिचेस बनाकर बीच में क्रैक्स पड़वाकर, जैसे उस बंदे ने स्ट्रगल किया और जैसे उसने अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग किया है, बिलीव मी ऐसा सदियों में सेंचुरीज में 1 या 2 बार होता है, बार बार नहीं होता। हम कहते थे हम नंबर वन बॉलर्स हैं, 1.5 महीने में पता लग गया कौन कितने पानी में है। ठीक है, हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर। दोस्तों आपने जैसे देखा कि इन पाकिस्तानियों के दिमाग में ये की बात बैठा हुआ कि मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी ये रो रहे हैं इस हार को लेकर के, लेकिन मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी अपने बयान के दौरान बोलते हैं कि हम एक इंडियन हैं, पहले इंडियन उनके बाद हमारा मजहब। इन लोगों का यही कहना है, मोहम्मद सिराज हो चाहे मोहम्मद शमी हो। आपने देखा दोस्तों कि जब ये मैच ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीती उस टाइम मोहम्मद सिराज उसी प्लेग्राउंड में रो रहे थे, लेकिन इन पाकिस्तानियों के दिमाग में एक बात बैठा हुआ है कि मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी मुस्लिम होने के बावजूद भी इंडिया को लेकर के इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर रखते हैं और इस मैच को हार को लेकर के बहुत काफ़ी ये दोनों भी रो रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से कुछ ये पाकिस्तानी सोचते हमारे भारत को लेकर और हमारे भारत के मुस्लिम भाइयों को लेकर के। दोस्तों हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये नहीं देखते कि ये हिंदू क्रिकेटर्स है, ये तो मुस्लिम क्रिकेटर है, ये सिख है, ये ईसाई है। हमारे जितने भी 11 प्लेयर्स हैं सबको एक समान वो देखते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सबको एक समान देखते हैं और अपने नेशनलिटी के तौर पर देखते हैं, वो सिर्फ देखते हैं कि हमारे भारत के लाल हैं। दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के कोई भी तथ्य हो, चाहे वो गेम्स हो, कोई भी क्रिकेट हो, कोई भी मैच हो, या फिर कोई बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। आपने कुछ दिन पहले देखा कि चंद्रयान 3 जब सॉफ्ट लैंडिंग कराया गया तब उस टाइम भी भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भागीदारी हुए थे। और दोस्तों हर एक फील्ड में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना एक अहम रोल देते हैं। और जैसे आपने देखा कि कल ICC वर्ल्ड कप के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आए हुए थे। खैर जो भी हो दोस्तों, लेकिन 10 का 10 मैच हम लोग वहां से यहां तक जीतते आगे, लेकिन फाइनल मुकाबला हम लोग बुरी तरह से हार गए, जो कि हम लोगों के लिए एक दुर्भाग्य की बात हो सकती है।